हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज्ज गल करन जा रहे हां बाबा मनोजाल दी शहादत बारे। आखिर उस बेपरवाह योधे नूं किवें आपणिआं ने धोखा दे के शहीद करिआ, जिस दे सिर ते 30 लख दा सरकारी इनाम सी। अजिहा सूरमा जो 5-5 हज़ार फौज दा इकल्ला मुकाबला करदा घेरे तोड़ के निकल जांदा सी, ते जिस दी शहादत तों बाद पुलिस ने कई तरीक्यां नाल जशन मनाए गए सी। समा 1993 के पहले दूजे महीने का है। बाबे नूं फड़न लई फौज पुलिस बाबे दे 50-60 टिकाणिआं ते इकट्ठे ही छापे मारने शुरू कर दिते ने। जिथे भी सोह मिलदी है बाबे दे आउण वाले, उस घर दे सारे परिवार नूं फड़ लिया जांदा है ते जुल्म तशद्दद कीता जांदा है, ते बाबे नूं फड़ाउण लई बहुत सारा प्रैशर भी पाया जांदा है। बेशक बाबे नूं बहुत वारी घेरे पए, पर बाबा हमेशा चढ़दी कला विच घेरे तोड़ के निकलदा रहा। पर हुण सख्ती बहुत वध चुकी है। बाबा मनोजाल दे रहण दे टिकाणे आम तौर पर खेतां विच बने हुए घर हुंदे सन। असल विच उस टाइम घरां विच बाबे द्वारा खूफिया बंकर बनाए जांदे सन, जिहड़े पुलिस तों लुकण लई बहुत ही सेफ टिकाणे सन। इस तरह 27 फरवरी 1993 नूं बाबा बागनिया पिंड ते बनी किसे इसे तरह की ठार ते रुकिया होया सी, ते पुलिस किसे सूह दे आधार ते अचानक घर ते छापा मारदी हुई आ जांदी है। पर बाबा जी उस टाइम घर विच बैठे बेड़े विच धुप सेक रहे सन, पर पुलिस दे आउण दा पता लगदे सार ही बाबा जी फुरती नाल पशुआं दे पट्ठे पाउण वाली खोली विच बने हुए बंकर विच लुक जांदे हन। इस टाइम घर दी औरत अपने किसी नौजवान पुत्तर नूं आवाज़ लगाउंदी है कि बंकर नूं उपरों किसी तरीके नाल ढक दिता जावे। नौजवान मुंडा बंकर नूं फट्टिआं नाल ढक दिंदा है ते उपर शक ना पैण दे लई उपर पट्ठे पा दिंदा है। पर इसे टाइम ही पुलिस घर दे वेड़े तक पहुँच जांदी है ते थानेदार ते पुलिस पहला शक के आधार ते नौजवान नूं फड़दी है ते उसनूं फड़ के जिप्सी विच बिठा लैंदी है। ते कुछ टाइम बाद ही पुलिस शक के आधार ते खोली नूं चैक करन आउंदी है, पर जिवें ही थानेदार हाथ मार के पट्ठिआं विच चैक करन दी कोशिश करदा है तां घर दी औरत ही इक आवाज़ ला दिंदी है कि बे अपना बचाव कर लो, अंदर बंदा जे। ਇਹ ਗੱਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਕੀ ਸੂਹ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਦੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ अगला टिकाणा करते हैं, पर उस टाइम तक पुलिस का घेरा बहुत ही बढ़ चुका सी। पुलिस ने थां थां छापेमारी करनी शुरू कर दी सी ते एक तरह का कणकी ऑपरेशन शुरू कर दिता सी। हरेक घर हरेक पिंड की तलाशी आरंभ हो चुकी सी। पुलिस ने भी उन्हां परिवारों उत्ते बहुत कहर ढोना शुरू कर दिता सी। उन्हां ते बहुत ज़्यादा तशद्दद होना शुरू हो गया सी जिन्हां परिवारों बारे बाबे दे आउण बारे कोई उन्हां नूं सूह मिलदी सी। पुलिस द्वारा उन्हां परिवारों ते प्रैशर पाया जांदा कि बाबे नूं किसे तरीके नाल फड़ाया जावे। पुलिस यह जानती सी कि बाबे ने जीवन जी फड़ना बहुत ही मुश्किल है ते इन्नी हिम्मत भी किसी पुलिस अफसर विच नहीं सी। सो इस दौरान पुलिस ने प्लैन बनाया कि किसी परिवार को डरा धमका के एक चिट्टे रंग का पाउडर दिता जाए, जो पुलिस द्वारा उन्होंने परिवारों को बाबे के खाण पीण वाले समान विच पाउण लई कहा जाता सी। बेशक कोई भी परिवार इस बारे नहीं मनिया, पर जिथे बाबा जी हुण रुके हुए सन अपने साथी के सहुरे परिवार से इस परिवार से पुलिस ने बहुत जुर्म किया। परिवार बारे बहुत जदों बाबा जी इस परिवार में जाके उस रात को रुकते हैं, उस टाइम बाबा जी बहुत ही थक चुके सन क्योंकि घेरा बहुत लंबे समय तो पै रहा है। बाबा जी एक टिकाने तो दूसरे टिकाने वाले जा रहे सन, पर जो बाबा जी इस परिवार को रुकते हैं तो परिवार ने पुलिस के प्रैशर के अंडर आके बाबा जी के दुध में वो चिट्टे रंग का पाउडर पा के पिला दिता जिहड़ा पुलिस द्वारा उन्होंने दिता गया सी। इस तो बाद परिवार वाले ने पुलिस वाले ने सूचित कर दिता। इस तरह बाबा पुलिस ते फौज के घेरे नूं तोड़ के कल्ला ही निकलदा रहा सी। उसनूं अपणिआं ने धोखा दे के शहीद करा दिता। इस तो बाद पुलिस ने झूठा मुकाबला शुरू कर दिता ते बाबा जी दे शहीद दे शरीर ते ही गोलियां मार के अपनी टौर समझदे रहे। इस तो बाद बाबा जी दे शरीर नूं प्रदर्शनी लई एक दिन CI स्टाफ विच रखिया गया। इस तो बाद कई थाणिआं विच हवाई फायर किए गए, पुलिस द्वारा भंगड़ा पाया गया ते कई जगह तां रात नूं बल्बां वालीआं लड़ियां ला के पुलिस द्वारा यह जश्न मनाया गया। पुलिस वालिआं ने अपनी वड्डी प्राप्ति दिखाउंदे होए बाबा जी दे शरीर नाल कई फोटोआं भी खिचाईआं।